Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone Interview Edition. So guys, this video is going to be very important for those who appeared for CUT 2024 exam, mainly for TIS admissions. Because in this video, I'm going to discuss about the TIS Phase 2 online assessment schedule. So guys, काफी लोग अपेंग आ रहे हैं कि TIS का forms कब आ रहे हैं, TIS का interview की dates वगैरह कब होंगी, तो काफी लोग clarity नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि timelines क्या हैं, ठीक है? वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, काफी लोग माइंड में ये भी डाउट आ रहा है कि उनका इतना स्कोर आया टेस्ट में, तो क्या उनको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? वो सब बातें भी हम लोग करने वाले हैं मेजर प्रोग्राम्स के लिए. तो जस्ट वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग सीमैट दे रहे हैं, अभी हम लोग की चैनल में 1000 GK 1 shots वीडियो अपलोड हुआ है, जहाँ पे 1000 MCQs हैं, उसको आप जरूर देखना गाइस, ठीक है? काफी फायदा होने वाला है. चलो गाइस, बाकी गाइस सीमैट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो 5000 प्लस मेंबर्स ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना. प्लस अगर आपको डेली रीड्स मैगजीन चाहिए फ्री, जिसमें 15 करंट अफेयर्स होते हैं डेली डिलीवर होते हैं, तो वो आप ले सकते हो. उसके लिए जस्ट आपको व्हाट्सअप करना है गिवन नंबर में, यहाँ पे डेली रीड्स लिख के व्हाट्सअप कर देना, आपको डिलीवर हो जाएगी, ठीक है? तो गाइस आपके सामने ये टाइमलाइन है, ये शेड्यूल है. ये वेबसाइट में शायद आपको नहीं दिखेगा, ठीक है? ये एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था, और ये ऑफिशियल शेड्यूल है, इनका पूरा एकेडमिक कैलेंडर है, ठीक है? जहाँ पे इनका टेस्ट के जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनका भी पूरा शेड्यूल का एग्जाम्स है, लास्ट में ये दिया हुआ था. तो यहाँ पे पूरी क्लैरिटी मिल रही है इन लोगों को क्या है. जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 25 अप्रैल को स्टार्ट हुए थे टेस्ट की वेबसाइट में. तो क्या, जैसे मैंने बोला था कि CUT में अप्लाई करने के बाद भी आपको टेस्ट में अप्लाई करना है, ठीक है? और टेस्ट को पता कैसे रहेगा कि आपको कौन से प्रोग्राम में जाना है. तो जिन लोगों को नहीं पता है, 25 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था, 24 मई तक का डेडलाइन है, ठीक है? तो इन केस आपका स्कोर आया है और आपको टेस्ट के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है, तो यू मस्ट विजिट द वेबसाइट ऑफ टेस्ट. वहां पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करो, अपने प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करो, ठीक है? एंड जो प्रोग्राम्स आपने CUT में लिख इंसर्ट किए थे, वही प्रोग्राम्स को आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे एप्लीकेशन करेक्शन विंडो May 25 से 35 दिन का टाइम दिया जा रहा है आपको, ऑलमोस्ट 6 दिन का, ठीक है? कि कोई अगर टाइपो हो गया एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हो. मेन चीज गाइस क्या है कि शॉर्टलिस्ट आएगी 10 जून को, जो काफी लेट है. मतलब आपका ऑलमोस्ट 40 दिन बाद ये पता चलेगा कि आप शॉर्टलिस्टेड हुए हो प्रोग्राम के लिए कि नहीं. तो गाइस सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि इतना लेट प्रोसेस हो रहा है ना, कि इससे सब कुछ होते होते जुलाई हो जाएगा, और फिर बाई चांस कन्वर्ट नहीं हुआ तो आगे का नेक्स्ट ईयर का भी टाइम वेस्ट हुआ, और इस साल तो हुआ ही, ठीक है? तो उसके लिए बताऊंगा क्या करना है, बट काफी लेट हो रहा है, क्योंकि 10 जून को तो आपको ये पता चलने वाला है कि शॉर्टलिस्ट कब होगी, बट उसके बाद प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप है. ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म DAF जिसको बोलते हैं, वो 10 जून से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? आपको सबमिट करना होता है DAF, उसका बना के रखो. और गाइस ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन ओनली फॉर HRM ODCL एंड ऑनलाइन ऑनलाइन केस डिस्कशन फॉर दूसरा कोर्स है कोई. HRM ODCL के लिए मेनली जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह है वो 18 से 30 जून के बीच में रहेगा. ऑनलाइन असेसमेंट तो आपका 18 से 30 जून के बीच में रहेगा, तो ये एक ही चीज़ है एक तरह से. मतलब GDPI एक तरह से आपका 18 से 30 जून के बीच में रहेगा, ठीक है? तो 10 जून को शॉर्टलिस्ट आएगी, उसके बाद आपका प्रोसेस रहेगा. तो आपका PI वगैरह कभी भी हो सकता है, 24 जून को हो गया, ठीक है? 30 जून को होने के बाद फिर जुलाई में ही रिजल्ट आएगा डेफिनेटली. तो गाइस जुलाई में आपको फाइनली पता चलेगा कि आपका टेस्ट में हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर बाई चांस हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो फिर आप स्टार्ट करोगे अगले साल के लिए, तो रैंक कम रहेगा. तो गाइस इसका सोल्यूशन क्या है? अब देखो गाइस, आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हो. किसी का अगर 270 स्कोर आया, डेफिनेटली कॉल आ जाएगा उसको, ठीक है? तो डेफिनेटली आप टेस्ट HRM में पूरा फोकस करो, ठीक है? अपना पूरा 200% एफर्ट दो गाइस इंटरव्यू का. बाकी गाइस आपके पास अगर ऑप्शन और हैं इस साल के कॉलेजेस के, तो ठीक है. अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि खाली टेस्ट का ही ऑप्शन है या फिर अगले साल का ऑप्शन है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पूरी तरह टेस्ट में डिपेंड मत रहो, इंटरव्यू प्रिपरेशन करो, अपना पूरा 200% दो, बट कुछ टाइम निकालो अगले साल की प्रिपरेशन के लिए भी. क्योंकि बाद में मेनली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कैट देने वाले हैं, क्योंकि बाद में जुलाई में कैट के लिए स्टार्ट करोगे दिक्कत आएगी आपको. तो जिन लोगों के साथ ऐसा ऑप्शन है आइदर टेस्ट और कैट नेक्स्ट 2024, उनको मैं बोलूंगा कि आप साइड बाई साइड कैट की प्रिपरेशन भी करते रहो, टेस्ट का इंटरव्यू तो करना ही आप, ठीक है? बाई चांस टेस्ट में नहीं हो पाता तो कैट का आपका चलता रहेगा. अब आप जुलाई से अगर बेसिक से स्टार्ट करोगे तो टाइम मिलेगा नहीं, आप जुलाई से बाद बचेगा नहीं टाइम ना, वो चीज़ है, ये चीज़ है. बाकी का अकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा 5 अगस्त से, तो वही मानो कि आपको 30 जून को अगर लेंगे तो 12 से 15 जुलाई के अराउंड आपका 12 जुलाई तक आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपको फीस सबमिट करनी होगी, यही सब रहेगा, ठीक है? तो लेट हो रहा है, तो वैसे देखा जाए तो टाइम आपके पास इंटरव्यू के लिए काफ़ी है, बट स्टिल 40 दिन आपके पास अभी हैं काफ़ी हो तो.
अपने आप को गाइस अच्छे से प्रिपेयर करो, और दूसरी बात गाइस स्कोर चाहे आपका कितना भी आया हो, ज्यादा आया हो तब भी आपको पढ़ना है अच्छे से, कम आया हो तो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर मान लो कट ऑफ टेस्ट HRM का 260 मार्क्स दिया और आपका 261 है, तो भी आपको अपना पूरे 200% एफर्ट देना है इंटरव्यू में। ये नहीं सोचना है कि आपका बॉर्डर लाइन आपका होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको बुलाया जा रहा है तो 100% चांस है होने का। ऑन द अदर एंड किसी का 290 स्कोर है, उसको भी पूरा 200% एफर्ट देना है, स्कोर को भूल जाओ आप। सोचो स्कोर वेटेज ही नहीं, ऐसे मान के चलो। नो नॉट वेटेज है, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि इंटरव्यू को कॉम्प्रोमाइज किसी भी हाल में नहीं करना है गाइस, क्योंकि काफी लोग गलतियां करते हैं, ज्यादा स्कोर आता है ना बहुत ज्यादा चिल करते हैं, सोचते हैं मेरा हो ही जाएगा, ऐसी गलती मत करना गाइस। और ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, ओवर हाइप चीजें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में करो, ठीक है। डैफ के बारे में अच्छे से पढ़ो, क्या क्या होता है, एक्सपीरियंसेस लो स्टूडेंट से, ठीक है। कोई भी चीज अगर आप डैफ हो, चाहे आपके इंटरव्यू के आंसर्स हो, किसी न किसी मेंटर से फैकल्टी से उसको रिव्यू करा के ही अपलोड करना। इंटरव्यू में जाने से पहले आपका डैफ, आपके आंसर, सब कुछ आपका हो जाना चाहिए रिव्यू, प्लस आपके मॉक PI, इतना करना पड़ेगा। लोग गलती क्या करते हैं, डैफ एप लिख के सबमिट कर देते हैं, दिखाते नहीं किसी को, इस वजह से गलत होता है। और GDPI प्लेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे कितना भी स्कोर आ जाए ना, इंटरव्यूअर को अगर आप पसंद नहीं आए तो आपका 300 में 300 स्कोर होगा तब भी नहीं लेंगे वो, क्योंकि गाइस ये सिर्फ एक एप्टीट्यूड है। और आप जानते हो कि CUT का पेपर कितना ईजी आया था, ठीक है। ऐसा हुआ है पहले भी, 266 NMAT मार्क्स में भी 3000 रैंक रह चुकी है, 99.9 प्लस में भी SIBM को नहीं मिला लोगों। GDPI प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गाइस आगे जाके आपको अपने आपको ऐसे शो करना है ना कि आप इंडस्ट्री फिट हो, आगे जाके आपको कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पे एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाएगा। तो एट द एंड इंटरव्यू प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और यही चीज इन लोगों के लिए भी अप्लाई होती है। नो डाउट आपका स्कोर बॉर्डर में है, अगर वहां पे आप इंटरव्यू अच्छा करके आओगे तो डेफिनेटली आपको ले लेंगे गाइस। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर के पास डेफिनेटली पावर होती है, नो डाउट वो वेटेज वगैरह होता है, कई बार देखा होगा एकेडमी से कुछ वेटेज है किसी किसी, बट इंटरव्यूअर को अगर आप सही लग गए तो सीधे वो कह देगा, टिक मारेगा सीधे, आप इंटर आपका हो गया सिलेक्शन, चाहे आपका पहले जो भी रहा हो, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है, उनके पास काफी ज्यादा डिसाइडिंग पावर होती है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड उल्टा भी होता है कि आपका ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, बट आपने कुछ गड़बड़ कर दी, अच्छे से आंसर नहीं दिए, ठीक है, तो फिर सीधे आपको रिजेक्ट कर देंगे वो, इरिस्पेक्टिव आपने कहीं पे भी कुछ भी काम किया हो, कितना भी अच्छा कैट्स हो आपका, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा सीरियस रहो इंटरव्यू के लिए, टाइम बहुत है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। और ऐसा नहीं कि आपको दिन रात इंटरव्यू की तैयारी करनी है, इतना कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता है। एट द एंड देखो कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करेगा, फंबल नहीं करना है आपको बस, ठीक है। बाकी अपने आंसर रिव्यू रखो। बाकी मैं एक हमने 1 घंटे का डिटेल सेशन कराया था, हम लोग का स्टूडेंट था टिस ODCL कन्वर्ट, अपने बैच के स्टूडेंट साथ कराया था, वो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, 1 घंटे का सेशन है, उसका पूरा देख लेना आप, उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा एक्सपीरियंस के बारे में, इंटरव्यू का, डैफ वगैरह का, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो गाइस, मोटिवेशन लेके आओ बहुत अच्छे, डेफिनेटली टेस्ट की तो बात ही नहीं करनी, ऑब्वियसली बात, कितना सही कॉलेज है, ठीक है, Top 10 में आता है इंडिया में, एंड HRM की फीस भी काफी कम है। तो और दूसरी बात जैसा बात करते हैं कि किन लोग को अप्लाई करना चाहिए हर हाल में। देखो गाइस करीब 400 से 450 लोगों का, 400 प्लस लोगों का 260 मार्क्स है गाइस, ठीक है, ये समझ लो आप टेस्ट CUT में। तो मैं आपको बोलूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग आपको टेस्ट HRM में तभी अप्लाई करना चाहिए जब आपका 260 के ऊपर स्कोर, 260 से नीचे आप पूछोगे 258 में कर दें वो आपके ऊपर है, आज नहीं आने को आ भी सकती है, ठीक है, नहीं आने को नहीं, बट 260 प्लस वालों को कर देना चाहिए। इसी तरह ODCL की बात करूं, ODCL वालों को 255 प्लस में हमेशा हर हाल में करना चाहिए, 250 वालों को भी करना चाहिए, करने को कर दो, बट 250 वालों को करना चाहिए, ठीक है। एनालिटिक्स एंड दूसरा वाला जो प्रोग्राम है आपका, ठीक है, लेबर स्टडीज वाला, उसके लिए गाइस 250 प्लस में हर हाल में कर देना अप्लाई, कॉल आ जानी चाहिए। अब 245 पूछोगे उसमें उसमें आपके ऊपर कॉल है, तो ये कट ऑफ काफी गया है इसलिए, ठीक है। तो ये चार प्रोग्राम्स का मैं बता सकता हूँ मेनली, ठीक है, तो इनमें ऐसा है। तो गाइस किसी का बाकी वही है कि आपको स्टिल डाउट रहेगा मेरा 260 बना कन्वर्ट होगा नहीं, तो मैं खुद बोलूंगा हाँ डाउटफुल तो है 261 में, तो ही आपको बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शन लेके चलो, या तो इस साल कोई और कॉलेज मिला उसका भी एक ऑप्शन ले लो, ठीक है। जैसे किसी को इस साल लेना ही एडमिशन, अगले साल का ऑप्शन नहीं है उसका, 261 या जितना भी स्कोर आया, एक अपना बैकअप रखो, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा, ठीक है। मतलब पूरी तरह किसी भी हाल में, चाहे कोई भी सीन हो, डिपेंड ना रहो सके, वरना फिर आगे जाके आपको दिक्कत आएगी, जुलाई में आपको पता चलेगा इसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस जिन्होंने CMAT के अप्लाई किया, CMAT के प्रिपरेशन करो, 15 दिन बचे हैं अभी, ठीक है, टाइम दो उसको CMAT को, 2 घंटा पर डे GK अन्वेषण करो अच्छे से, 15 दिन रटो अच्छे से, क्वांट सर अभी एक अभी प्रॉब्लम में करो,
स्टिल किसी के पास अगर टाइम है, कोई जॉब नहीं कर रहा है मेनली, दे कैन डेफिनेटली चेकआउट द क्रैश कोर्स सीमैट का। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर कंटेंट मिलेगा, 10 से 12 दिन भी किसी पास आराम से कर लोगे आप। आपको बस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग से फोकस करना है, जीके जैसे दिया जा रहा है ऐसे करना, ठीक है। बाकी 10 फुल लेंथ सीमैट के मॉक्स हैं जो काफी रिलेवेंट है, अच्छे लेवल में है। बाकी अगर मॉक्स लेने हैं खाली, यस यू कैन डेफिनेटली चेकआउट द मॉक्स। हम लोग के मॉक्स काफी अच्छे पैटर्न पे हैं। एक वर्स्ट केस सिनेरियो में प्रिपेयर कराएंगे आपको, डरना नहीं है। 220-230 मार्क्स भी कंसिस्टेंटली ला रहे हो ना, तो मुझे लगता है 98+ सीमेंट में आराम से आ जाएगा, ठीक है। और किसी का अगर 5 से 6 बार अपने मॉक्स में 265+ चला गया तो उसका चांस बन सकता है जेबी जाने का, ठीक है। बाकी देखो 99.99 लक फैक्टर भी होता है थोड़ा, बट स्टिल क्योंकि मॉक्स अच्छा है। बाकी गाइस रिव्यूज काफी सारे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग के मेजर बैचेस अभी स्टार्ट हो रहे हैं अगले साल के लिए। पहले तो हम लोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम एनमैट स्नैप एंड नॉन कैट कोर्स, काफी लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। 7th में से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एक एक चीज पढ़ाई जाएगी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा जीरो से एंड तक, ठीक है। आपके सामने डिटेल्स हैं, जीडीपीआई विद जी विदाउट जीडीपीआई। नॉन कैट कोर्स ऑल इन वन प्रोग्राम है, कैट छोड़ के जितना भी आप जानते हो, कैट एंड पीजीडीपीआई छोड़ के सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, इंक्लूडिंग मॉक्स एवरीथिंग, ठीक है। टॉपिक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेंगे। एनमैट एसएम पूरा एनमैट एसएम का मिलेगा इंक्लूडिंग जीडीपीआई, ठीक है, जीडीपीआई वाले केस में। बाकी का इसको अगर कैट प्लस नॉन कैट दोनों देख रहा है या कैट देख रहा है, वाला बैच हम लोग 3rd मई को स्टार्ट हो रहा है, तो आप इंक्वायरी कर सकते हो हम लोग के अपकमिंग बैचेस के बारे में, ठीक है। सो गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हैं, आई गेस आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो गाइस ये नंबर यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कोई डाउट हो तो। बाकी mockzone.in/cmat में जाओगे तो आपको सीमैट डिटेल्स मिलेंगी। अगर आपको ओवरऑल डिटेल्स चाहिए तो mockzone.in में जाना खाली, ठीक है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।